आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से सिविल अस्पताल पठानकोट का दौरा किया गया, जहां उन्होंने लोगों से बातचीत की कि लोगों को जिस जिस भी चीज की असुविधा है वे उनसे बोलें और जो उनकी मांगे हैं उसके बारे में भी लोग उन्हें खुलकर बताएं। साथ ही उन्होंने इस मौके पर उपस्थित रहने वाले संजीव कुमार को उनकी बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट भी दिलाया, जो काफी दिनों से लेने के लिए वहाँ चक्कर लगा रहे थे। समस्या ही मेरी बेटी का बर्थडे सर्टिफिकेट सी, ते मैनू 7 महीनों तो बहुत प्रॉब्लम आ रही, ते चलो हुण मेरी आम पार्टी ने सुनी है। मैनू बड़ी खुशी हुई आम पार्टी दे, मैं धन्यवाद करदा बहुत बहुत केजरीवाल जी का, भगवंत मान जी का, अपने भूपति शर्मा जी का और उन्होंने जी पार्टी आ सारे का। हाँ जी, उन्होंने बस यही कहा हूँ तुम जाके थोड़ा जा अपने नानकियां दे बेटी जी नानके आ उतों जाके एक सर्टिफिकेट बनाओ, उस तो बाद दो सर्टिफिकेट इतों सू मिल जाएंगे, एक उतो उस तो बाद 15 दिनों बाद बोलते सर्टिफिकेट दे देंगे। अज सिविल हॉस्पिटल आए थे, सानू कोई कंप्लेन मिली सी कि किसी बंदे की सुनवाई नहीं हो पा रही थी, वह पिछले 7 महीने तो लगातार मतलब दिक्कत परेशानी चल रहे थे, कोई सर्टिफिकेट से बर्थ का तो वे करके सुनवाई नहीं हो पा रही थी। तो जिदा सूँ कॉल आया उसी टाइम इमीजिएटली असी पूरी टीम के नाल असी पहुँच गए, तो असी SMO साहब नू आके मिले हैं, तो उन्होंने सूँ आश्वासन दिता कि काम जल्द तो जल्द हो जाएगा। बट गल ये कि ये सारी चीज़ा SMO साहब तक क्यों पहुँचन, असी चीज़ों उस हिसाब से स्ट्रीमलाइन कर दिए कि हर एक बंदा ईजीली उस चीज़ तक पहुँच जाए जो चीज़ की लोड़ हैगी है। तो मेरा बस यही है कि जनता नूं कि असी आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट च आ चुकी है, तो असी आश्वासन देने कि हुण सारी चीज़ां ऑटोमैटिकली उसी तरीके नाल चलनगी जिदा उन्होंने लोगों नूं लोड़ हैगी है। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज़ पठानकोट के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।